हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लाया हूँ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉप 10 जनरल स्टडीज के एमसीक्यू। चलिए देखते हैं इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रोड्स माइलस्टोन। ठीक है, सड़क के किनारे जो आपके बच्चों माइलस्टोन लगे होते हैं उनके बारे में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट पढ़िएगा, फिर आंसर बताइएगा इसमें से क्या हो सकता है। हिंदी वालों के लिए बता दूं, पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि जो पीले कलर के जो माइलस्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, वो स्टेट हाईवे को दर्शाते हैं, और दूसरे कलर के यानी कि जो काले कलर के जो पत्थर लगे होते हैं सड़क के किनारे, वो नेशनल हाईवे को दर्शाते हैं। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है आपको बताना है, और गलत है कोई एक गलत है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर जो है नीचे बनाने हैं। टाइम लीजिएगा आप लोग अपना 10 से 15 सेकंड का। चलिए बच्चों, इसका अगर मैं आंसर की बात करूं तो अगर हम देखें येलो स्ट्रिप जो होती है, येलो स्ट्रिप जो होती है पत्थरों में जो लगी होती है, वो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्टेट हाईवे। तो पहला स्टेटमेंट बच्चों क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ब्लैक स्ट्रिप के बारे में लिखा हुआ है, जो ब्लैक स्ट्रिप होती है वो आपके किसको दिखाती है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे को दिखाती है। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे को दिखाती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, नेशनल हाईवे। तो बच्चों जो इसका आंसर बनेगा वो डी बनेगा, पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो जिसने डी किया है बिल्कुल सही आंसर किया है। चलिए अब मैं आप लोग को दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से पढ़िएगा इसको क्या लिखा हुआ है। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, नीचे आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं या कोई एक। चलिए बच्चों बात करते हैं, जो जो पहला स्टेटमेंट लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, कि ये 2020 में आपका शुरू हुआ था, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। ये जो खेल है ये आपके 2018 में शुरू हुए थे। ठीक है, दूसरा जो आपका है कि फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, जो कि 2022 का कहते हैं, ये गुजरात में हुआ, जो कि स्टेटमेंट गलत है। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये आपका कहाँ पर हुआ, एमपी हुआ। तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपके बच्चों क्या है, गलत है। तो जो आंसर बनेगा वो आपका फिर से क्या बनेगा, डी बनेगा, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने अटेंड कर लिया होगा, इसके आंसर की बात करते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट जो लिखा है वो लिखा है पलामू हिल्स लोकेटेड इन मेघालय, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपका जो पलामू हिल्स है अगर मैं उसकी बात करूं तो ये कहाँ पर है, छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर है,
और पर्टिकुलर अगर स्टेट की बात की जाए तो पलामू हिल्स कहाँ पर है आपका? झारखंड में आपका पलामू हिल्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेट में बात की जाए, गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों आपके हिल्स के नाम है जैसे आपको पता ही है, लोकेटेड इन मेघालय, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा बी, ओनली टू स्टेटमेंट जो है गारो, खासी, जयंती आपको मेघालय में मिलता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग का सही होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ दिखाता हूं मैं आपको। फोर्थ क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, फोर्थ अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी मैं फिफ्थ क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिफ्थ वही रिपीट हो गया थोड़ा सा, नहीं सॉरी रिपीट नहीं हुआ, थर्ड क्वेश्चन मैंने आप टाइपिंग में थोड़ा एरर आ गया, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, फोर्थ क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। हाँ ये आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ थोड़ा सा रिपीटिंग हो गई लेकिन ये अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है बच्चों वो अगर हम पढ़ें तो क्या दे रखा है, दामोदर इज अ फॉल्ट वैली ड्रेनेज सिस्टम, दामोदर रिवर की बात हो रही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा, दामोदर रिवर पासिस थ्रू झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, तो आपका ये भी जो स्टेटमेंट है अगर हम देखें स्टेटमेंट के बारे में पढ़ें कि भाई ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यानी कि इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा आपका सी आंसर बनेगा, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिविल सर्विस वॉज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस इन इंडिया, सिविल सर्विस भारत में कौन लेकर आया, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो बनेगा कॉर्नवॉलिस। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग मेरे साथ साथ, इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड, ठीक है, किस साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो आपका पास किया गया था, 1870 है, 1875 है, या 1878 है, या 1880 है। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1878 को ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है पास हुआ था, यानी कि इनका आंसर जो है वो बना सी। फिर सातवां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला, ठीक है, इन चारों में से आप पढ़ेंगे हिंदू मेला के फाउंडर कौन है आपके थे, मतलब नवा गोपाल मित्रा, या बाल गंगाधर तिलक, या अक्षय कुमार दत्त, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदू मेला के बारे में बताना है आपको, तो आप लोगों ने नाम पढ़ते पढ़ते डिसाइड कर लिया होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, नाभा गोपाल मित्रा, इन्होंने ये हिंदू मेला की स्थापना जो है वो 1867 में की थी, और इस हिंदू मेला को शुरू में चैत्र मेला भी कहा जाता था, ठीक है, इसको ही शुरू में चैत्र मेला कहते थे, बाद में इसका नाम बदलकर हिंदू मेला कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला ये आपका मैच द फॉलोइंग है, इसको लीजिए आप लोग 15 सेकंड लीजिए।
चलिए इसके अगर मैं आंसर की बात करूं बच्चों, तो इसमें एक जो मैक्सिमम लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, वो क्या है आपका, जो एक आंसर में आप बिल्कुल कंफर्म हो सकते हैं मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, वो है आपका क्या, जो बी वाला है, यानी कि अभिनव भारत समाज जो है, या अभिनव भारत, इसकी स्थापना वीडी सावरकर साहब ने की थी। यानी कि उस हिसाब से ए और बी इसमें से कोई जो है आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो ए का 1 है, बी का 3 है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो ए का 1 यानी कि चिटगांव आर्मर रेड कल्पना दत्त का संबंध है, अभिनव भारत का वीडी सावरकर से संबंध है। अब आपको अनुशीलन समिति और कूका मूवमेंट में डिसाइड करना है। तो यहाँ भी बहुत आसान है, कूका मूवमेंट याद करना सबसे आसान है। कूका मूवमेंट का आपका सीधा क्या हो गया, डी का 2 हो गया, यानी कि इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो आपका ए बनेगा। फिर 9th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कि ये उत्तराखंड को लेके रखे हैं मैंने क्वेश्चन, पढ़िएगा आराम से, 10 से 15 सेकंड लीजिए इसमें आप लोग। चलिए आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, मौकर जो है उत्तराखंड में हर परिवार के द्वारा जीने दिए जाने वाला कर हुआ करता था। ठीक है, यानी कि ये क्या था, एक टैक्स था। और दूसरा लिखा है खैकर जो है, जो भी खेती करना जाता था वो खेती के बदले राजा को कर दिया करता था उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसमें जो आंसर बच्चों वो है आपका सी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मौकर भी कर था जो कि हर परिवार देता था, और खैकर वो लोग कर दिया करते थे जो खेती करना चाहते थे उस समय के राजा को दिया गया। और 10th और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, वक्तव्य है, पढ़ेंगे इसको आप लोग, 10 सेकंड का टाइम लेंगे बच्चों। चलिए इसकी अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो है उसको पढ़ते हैं, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना कीर्ति शाह ने की थी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, जागेश्वर को हाटेगेश्वर या हाटकेश्वर भी कहा जाता था, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चों वो बनेगा सी, दोनों ही क्वेश्चन सॉरी स्टेटमेंट सही है। तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं आखिरी तक, तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, बताइएगा कि 10 में से आप लोगों के कितने सही में, बिल्कुल सही से बताइएगा मुझे। और दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कीजिए।